नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 22 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा महत्वपूर्ण सम्मेलन के ऊपर। तो यहाँ पर एक सम्मेलन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन, इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस जो है इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें मुंबई राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन पर टिक कराना बिल्कुल बिल्कुल देकर। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। अब इसका फोटो आपको दिखा देता हूँ, ये उस कॉन्फ्रेंस का फोटो है, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मुंबई में ऑर्गेनाइज किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जितने भी व्यावसायिक जोखिम होते हैं उनसे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ में उनके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारियां होती हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उनको बढ़ावा देना। मोटे तौर पर ये मान सकते हो कि जितना भी व्यावसायिक सुरक्षा होता है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो फिर से दिखा देते हैं, इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी है दोस्तों सम्मेलन से ऊपर, इस बार का यानी कि 8वां विश्व सी एस आर सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये जो सी एस आर सम्मेलन है इसको भी मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है सी एस आर, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, सी एस आर का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका जो वार्षिक सम्मेलन है वो मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर लगा हुआ ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो सी एस आर का सम्मेलन हुआ है ये कौन से नंबर का सम्मेलन है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये 8वां सीएसआर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर इसका फोटो भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ये फोटो है वर्ल्ड सीएसआर सम्मेलन 8th एडिशन, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको हो सकता है ना समझ में आए कि यहाँ पर सीएसआर का मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। देखो सीएसआर का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो खुद तो प्रॉफिट कमा रही हैं लेकिन उनका सोसाइटी के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को लेकर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर से देखना, जितना भी कॉरपोरेट है वो सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अदा कर रहा है वो होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या करता है, जैसे कोई भी कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया या यूनिवर्सल हो गई या गोदरेज हो गई, जो भी पेप्सी हो गई, कोको कोला, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने कुल प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कामों में लगाते हैं। जैसे गरीब बच्चों को किताबें प्रदान कर दी या फिर बेसहारा लोगों को घर प्रदान कर दिया, गरीबों का इलाज करवा दिया, तो ये अपने पूरे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वहाँ पर डिसाइड कर देते हैं। अब उस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो जो सीएसआर परसेंटेज है वो एटलीस्ट 2% रखा गया है, कम से कम उसकी वैल्यू जो है 2% होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि पूरे प्रॉफिट का 2% पैसा जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्हें देना है। ये ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2% उनको देना पड़ेगा। इस बार जो ये सीएसआर सम्मेलन हुआ है उसका जो सब्जेक्ट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, ये इसका सब्जेक्ट है। और इसी मौके पर CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है इसी फील्ड में, यानी कि सीएसआर में ही, वो दिया गया है डॉक्टर सुमित्रो चक्रवर्ती को CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनते हैं और आप जब इस वीडियो को लाइक करते हैं तो दिल खुश हो जाता है, मोटिवेशन भी मिलता है और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा।
अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन पर जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं। जैसे भारत के किस राज्य में पहली स्वदेशी दर्शन परियोजना शुरू करी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सोपान 2019 महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो किया गया है दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी मिशन का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए शहरी समृद्धि उत्सव शुरू किया गया है, तो वो हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय मिशन। उसके बाद में है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपनी किस योजना का ऐप लॉन्च किया है, तो वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका फोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद में है कि हाल ही में किस राज्य में कालिया छात्रवृत्ति योजना की शुरू करी गई है, तो वो करी गई है उड़ीसा राज्य में। कालिया का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की गई है, तो ये जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है इसकी शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डिजिटल बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा आपका लैपटॉप का स्क्रीन होता है वैसा ही बड़ा सा एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। मतलब जब आप उसमें फिंगर से अपने टच करोगे तो आप उसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके लिए आपको किसी भी मार्कर या पेन की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ में उसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बना सकते हो, यानी कि पूरे एजुकेशन को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया गया है। ये ऑपरेशन बिल्कुल वैसा है जैसा एक समय पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला गया था उसका मतलब ये था कि जितने भी कक्षाएं होती हैं उनमें कंपलसरी एक ब्लैक बोर्ड होना जरूरी था। इसी के तहत उसी समय जितने भी गांव-गांव में जो सरकारी स्कूल थे जो कि बिना ब्लैक बोर्ड के चल रहे थे, उस समय सभी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पहुंच गया था। इसी तरीके से ये डिजिटल बोर्ड भी इसी तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर एक टारगेट भी रखा गया है कि 2022 तक 9 लाख कक्षाओं में ये डिजिटल बोर्ड पहुँचाया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत के किस स्थान पर चौथा भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन शुरू किया गया है, तो भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन जो है इसको भारत में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका फोटो दिखा देते हैं, जो चौथे नंबर का इंडियन एशियन ये जो एक्सपो है, एक्सपो एंड समिट, इसको भारत में ऑर्गेनाइज किया गया है फिक्की की मदद से। अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है आसियान, ये जो आसियान है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जान लेंगे। इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करी जाए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो वीडियो को पॉज करके याद कर लेना, सिर्फ देखने से मतलब नहीं है, चीजें याद हो रही हैं तभी आप सीख रहे हो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना। तो इसमें है वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओ पीडीआर, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रूनेई, ये सभी देश इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद में चीन के बाद आसियान जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 फरवरी को। ठीक है, फिर से देख लेना, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर इसका फोटो भी आपको दिखा देते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर इसका थीम भी याद कर लेना आप लोग, इसका जो थीम है वो है इंडिजीनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन। ठीक है, इसी तरीके से जनवरी और फरवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेज हैं वो भी रिविज़न कर लेते हैं। जैसे विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया गया था,
किस राज्य ने 2 फरवरी को नियुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वो किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। इतनी सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? देखो, एक अवार्ड होता है स्पोर्ट्स के कैटेगरी में जिसका नाम है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। उसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है नोवाक जोकोविक को। आपको बताना है कि ये जो नोवाक जोकोविक हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है इसी तरीके से, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स वुमेन का ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है साइमन बाइल्स को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साइमन बाइल्स को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है साइमन बाइल्स जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसको भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शुरू किया गया है, और नेपाल में ये फेस्टिवल जो है 1 महीने तक चलेगा, जिसका इनॉग्रेशन का फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और जितने भी और रिलेशन चल रहे हैं उनको मजबूत करने के उद्देश्य से काठमांडू नेपाल में 1 महीने तक इसको शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 20 फरवरी 2019 को यूएई में रहने वाले कोच इरफान अंसारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो यहाँ पर इरफान अंसारी को 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं इरफान अंसारी जिनको 10 साल के लिए आईसीसी ने बैन कर दिया है। रीज़न उसका क्या है? रीज़न है क्योंकि ये पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के साथ में एक भ्रष्ट संपर्क के दोषी माने गए थे, जिसके चलते इनको ऐसा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरबीआई को लेकर। हाल ही में आरबीआई ने अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत कितने करोड़ रुपए की नकदी बाजार में डालने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर आरबीआई ने डिसाइड किया है कि कुल मिलाकर 12,500 करोड़ रुपए के जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पैसा मार्केट में डालने की घोषणा उन्होंने करी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आरबीआई का फोटो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में जब भी नकदी की कमी देखी जाती है तो उस समय ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई पैसा मार्केट में डाल देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन आंसर देता है। हाल ही में एनएससीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में स्थित स्वयंसेवी संस्था युवा ने लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार जीता है? रामनाथ कोविंद ने कहां पर 4थे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में डिजिटल किसान मंच का शुरुआत किया है? वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।